गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो हम लोग आज थर्ड लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। अभी तक हम लोगों ने दो लेक्चर्स कंप्लीट कर रखे हैं। सेकंड लेक्चर के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो तुमने देखा होगा मैंने तुम्हें 10-11 क्वेश्चन दिए थे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। वहाँ तुमने देखा होगा कि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इतने सिंपल से कॉन्सेप्ट के अंदर मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन कर करके हम लोग कितने अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट कर पाते हैं, कितने खूबसूरत तरीके से मैथमेटिक्स का हर ब्रांच फिजिक्स के अंदर अप्लाई होता है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पूरे स्टैंडर्ड 11th के जो कॉन्सेप्ट्स अगर तुम लिखना स्टार्ट करो तो तुम्हारी आधी रजिस्टर भी फिल नहीं होगी। 5 से 6 महीने के अंदर तुम्हारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से तुम समझ लोगे, विजुलाइज कर लोगे। बट जो मेन बैटल फील्ड है, जो मेन चैलेंज है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम तुम्हारे मैथमेटिकल टूल्स, ये जो हथियार होते हैं, मैथ्स को यूज़ करना तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। अगर तुम इसको यूज़ करके लड़ पाओगे तभी तुम टिक पाओगे, अदरवाइज समझ सकते हो शहीद होना बहुत ही आसानी से लोग शहीद हो जाते हैं, लाखों की संख्या में शहीद हो जाते हैं हर साल, ठीक है? तो मैथमेटिक्स की हर ब्रांच की यहाँ एप्लीकेशन आती है, तुम्हें उन मैथमेटिकल टूल्स को समझना है। तो ये थर्ड लेक्चर हमारा और इसके आने वाले कुछ लेक्चर्स की सीरीज पूरी मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर हम लोग डेडिकेट करेंगे। क्लियर है? तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स के साथ हम लोग डील करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? जो फिजिक्स में जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स वी नीड इन फिजिक्स फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड 12th, ये समझ लेना। आने वाले क्लासेस में और भी चीज़ें होंगी जो तुम, अगर मान लो 11th 12th के बाद अगर तुम फर्दर फिजिक्स को परस्यू करते हो तो मे भी तुम्हें और सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बट हम लोग बेसिकली अभी यहाँ इन्हीं चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। कौन कौन से? एलजेब्रा यूज़ करेंगे हम लोग, ज्योमेट्री यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करेंगे, वेक्टर एलजेब्रा एंड कैलकुलस, ठीक है? इनमें से एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुमने 10th क्लास तक पढ़ रखी है, वेक्टर एलजेब्रा एंड कैलकुलस तुम्हें 12th क्लास में पढ़ना है मैथमेटिक्स के अंदर, बट तुम्हें 11th में फिजिक्स में अप्लाई करना है। तो इस कारण से हम लोग 12th तक वेट नहीं करेंगे, हम लोग अभी सीख लेंगे। बिकॉज फर्स्ट चैप्टर, बिल्कुल पहला चैप्टर में अगर तुम एच सी वर्मा की बुक उठाओ, जो एच सी वर्मा सर की जो टेक्स्ट बुक है, तो वहाँ के बिल्कुल पहले दूसरे एग्जाम्पल्स के अंदर तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में जो तुम लोग पढ़ने वाले हो अभी थर्ड चैप्टर में मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर काम आ जाएंगी। तो भाई तुम कैसे अप्लाई करोगे जब तक तुम्हें आता नहीं है कॉन्सेप्ट्स? तो इसलिए अलग से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जो तुम 12th में पढ़ने वाले 11th में अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें सीखना तो जरूरी है ही है। तो ये कंप्लीट चीज़ें हम लोग सीखेंगे, वेक्टर एलजेब्रा, कैलकुलस, सर कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करेंगे। जब ये तीन चीज़ें तुम्हारी कंप्लीट हो जाएंगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट करते हुए वेक्टर अलजेब्रा को स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस पे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लग जाएंगे तुम्हें अच्छे से इसको समझने में, सारे चीज कॉन्सेप्ट्स को डाइजेस्ट करने में तुम्हें 2 हफ्ते आराम से लग जाएंगे, तभी हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो ये सारी बातें क्लियर है। तो अब यहाँ पर है बेसिक अलजेब्रा, ठीक है? बेसिक अलजेब्रा में ये चीज़ें तुम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी होंगी, सबको आता होगा ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और सबसे ज़्यादा जो काम आने वाला है, जो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, कहीं भी तुम देख के फैक्टराइज कर पाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ठीक है? तो ये जो लास्ट वाला, ये तो हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस को ड्राइव करने के टाइम जो सिंपल अलजेब्रा से यूज़ करके करेंगे, वहीं पे ये अप्लाई हो जाएगा। और भी कई जगहों पे इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करने के टाइम तुम्हें फैक्टराइज करना एटलीस्ट आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज़ करना, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। सबसे सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सबको आना चाहिए। अब बहुत सारी पुरानी चीज़ें जिनको आती होंगी वो हम लोग एक बार टच करेंगे, और कुछ नई चीज़ें भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा आज, ठीक है, जो तुमने पहले की क्लासेस में नहीं पढ़ी होंगी। तो ये तो तीनों चीज़ें तुम्हें आती होंगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इनमें। आओ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो आइडेंटिटीज को पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है? तो ये एक नया टॉपिक है जो 11th क्लास में तुम पहली बार पढ़ोगे। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट पढ़ेंगे, बायो के स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पहला काम करो तुम लोग, सभी लोग रजिस्टर निकाल के बैठ जाओ। विदाउट रजिस्टर कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं करना, जो भी चीज़ मैं बताऊँ उसको नोट जरूर करना, ठीक है ना? और बायो के स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ इसके, ठीक है? तो ये जो टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, ये
स्टैंडर्ड 11th मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, नाइन्थ चैप्टर के अराउंड, नाइन्थ टेंथ चैप्टर के आसपास होगा ये, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में लगभग ये अगस्त सितंबर के टाइमिंग में जनरली पढ़ाया जाता है स्कूल्स में मैथमेटिक्स में। तो अब क्योंकि ये जनरली बता रहा हूँ मैं, अभी तो कोरोना वायरस के कारण पता नहीं इस साल कब पढ़ाया जाए, और उसके बाद ही फिजिक्स में टेंथ मतलब ऑलमोस्ट वही टाइमिंग रहेगा तुम्हारा, ग्रेविटेशन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो अक्टूबर के आसपास का टाइम रहेगा, तभी ये टॉप कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऑलरेडी तुम पढ़ चुके होगे, बट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ। नॉर्मली ये सब जो चीज़ें यहाँ पर दिख रहे हैं तुम्हें सिम्बल्स, कुछ नए से सिम्बल्स हैं, तो ये सिम्बल्स मोस्टली हम लोग IIT फाउंडेशन कोर्स जब करते हैं बच्चे तो उसमें भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ, फैक्टोरियल वगैरह क्या होता है ये चीज़ें पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट किसका, बाइनोमियल थ्योरम। और ये मैंने यहाँ पर क्यों डाला है, मैं चाहता था कि लगातार तुम्हें इजी कॉन्सेप्ट्स ना मिले, ये नहीं कि बिल्कुल सिंपल 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 कॉन्सेप्ट लगातार करके तुम बोर हो जाओ, या लगातार बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स एक साथ इकट्ठे मिल जाएं तो तुम वहाँ भी परेशान हो जाओ। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि एक सिंपल सा टॉपिक जो तुमने पहले बहुत साल पढ़ रखे हैं वो वाले टॉपिक को मैंने पहले थोड़ा सा पढ़ाया, इसके बाद कुछ नया सा टॉपिक है, ये भी सिंपल लेकिन कुछ नया सा टॉपिक, ठीक है, ये हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर एक सिंपल सा टॉपिक, फिर एक थोड़ा जो मतलब सिंपल मीन्स थोड़े पुराने टॉपिक्स कुछ हम लोग देख लेंगे जो तुमने कई साल तुमने पढ़ रखे हैं, अब उसके बाद फिर से एक नया टॉपिक हम लोग छेड़ेंगे, क्लियर है, ताकि तुम ज़्यादा परेशान भी नहीं हो और बिल्कुल तुम बोर भी ना हो जाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो इसका इक्वेशन क्या है, 1+x^n, इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसके एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल इसलिए बिकॉज यहाँ पे दो टर्म्स है, 1 एंड x, 1+x दो टर्म्स है, जब भी कोई भी दो सिंबल्स दे रखे हैं, दो नंबर्स या दो कॉन्स्टेंट्स या दो वेरिएबल्स जो भी है तुम्हारे पास एल्जेब्रिक टर्म्स है, सेपरेट बाय प्लस या माइनस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं, सेपरेट बाय प्लस या माइनस, उसको बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। होल रेज टू द पावर क्या है, एन, होल रेज टू द पावर एन है, तो ये उसका एक्सपेंशन होता है, उसको नोट कर लो क्या होता है एक्सपेंशन, सिर्फ नोट करना है, परेशान नहीं होना, सिर्फ नोट कर लो पहले उसको, तुम क्या होता है, 1+x^n इक्वल्स टू 1+nx अपॉन 1 के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1+nx/1 (n)(n-1)/x^2 (n)(n-1)(n)-2 (x^3). तो इस तरीके से ये सीरीज चलता जाता है, इस तरीके से ये सीरीज चलता जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। समझ आई बात, बस नोट कर लो, नोट कर लो इसको, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या टर्म होगा, जो मैंने सीरीज पैटर्न बनाया, तो अगला टर्म तुम गेस कर सकते हो, फर्स्ट टर्म तो 1 दिख रहा है, सेकंड टर्म क्या था, (nx/1)। अगला टर्म क्या बन गया, (n)(n-1)(x^2). अगले टर्म में क्या हुआ, n एक और कम हुआ और x का पावर एक बढ़ गया, तो क्या हो गया, (n)(n-1), साथ में एक (n-2) भी आ गया, (x^3) हो गया अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो मतलब जो अपॉन वाला है वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा टर्म, नेक्स्ट टर्म लिखो, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा (n)(n-1)(n-2)(n-3)(x^4) अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। (n)(n-1)(n-2)(n-3) सारे होल मल्टीप्लाइड, (n)(n-1)(n-2)(n-3) (x^4) अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से ये टर्म्स आगे चलते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से टर्म्स आगे चलते जाएंगे, लास्ट जानते हो कहाँ तक जाएगा, (x^n) तक ही जाएगा, ये लास्ट कहाँ तक पहुँच जाएगा, जब (x^n) तक तुम पहुँच जाओ, टोटल (n+1) टर्म्स आते हैं इसके अंदर, टोटल कितने टर्म्स आते हैं, (n+1) टर्म्स आते हैं और लास्ट (x^n) आएगा। तो सिर्फ तुम ये सिक्वेंस को लिख लो, इस पैटर्न को लिख लो, इस पैटर्न को तुमने नोट कर लिया। अब हमने कहा फैक्टोरियल 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 क्या चीज़ है, किस बला का नाम है फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 multiplied by 1, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 multiplied by 1, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 multiplied by 2 multiplied by 1। तो मतलब तुम्हें मल्टीप्लाई करते जाना है उसके प्रीवियस टर्म से, फिर उसके प्रीवियस टर्म से कहाँ तक, 1 तक जाना है तुम्हें। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1। ऐसे अगर 8 फैक्टोरियल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल क्या होगा, 8 multiplied by 7 multiplied by 6 multiplied by 5
मल्टीप्लाइड बाई 4, मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल। क्या होता है ये? ये होता है फैक्टोरियल। ये मैथमेटिक्स में या जो तुम्हारे पास फिजिक्स पढ़ोगे या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स तुम पढ़ोगे जब आगे जाकर, तो वहाँ पे कई जगह पे फैक्टोरियल का काम आता रहता है। तो फैक्टोरियल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आने वाले पढ़ाई के लिए, जो तुम आगे पढ़ने वाले हो उसमें, तुम्हें आने वाली पढ़ाई में फैक्टोरियल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये तुमने सीखा, एक नया कॉन्सेप्ट सीखा आज। क्या सीखा? फैक्टोरियल सीखा। वन फैक्टोरियल वन होता है, टू फैक्टोरियल टू इंटू वन होता है, थ्री फैक्टोरियल क्या होता है? थ्री इंटू टू इंटू वन। फोर फैक्टोरियल क्या होता है? फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन। तो इस तरीके से तुम किसी भी फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो समझ आ गई होगी बात। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइव फैक्टोरियल एंड सिक्स फैक्टोरियल। तो ये कैलकुलेट करना एग्जैक्ट इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जैसे मान लो थ्री फैक्टोरियल मैंने पूछा हो तो क्या होता है? थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू सिक्स, सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वन तो क्या हो गया? सिक्स रहा। तो थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू होती है सिक्स, थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू होती है सिक्स। टू फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? टू मल्टीप्लाइड बाई वन मतलब टू रहती है। इसी तरीके से फाइव फैक्टोरियल की क्या वैल्यू आएगी वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है तुमने? फाइव फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिक्स फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तुम्हें सॉल्यूशन तुम्हें सेंड करना है। फाइव फैक्टोरियल की वैल्यू और सिक्स फैक्टोरियल की वैल्यू तुम्हें सेंड करनी है मुझे। अब एक खास बात, हमने एक लंबा सा सीक्वेंस यहाँ पे नोट किया, बट ये पूरा सीक्वेंस फिजिक्स में हमारे किसी काम का नहीं है। फिजिक्स में हमारे काम ये पूरा सीक्वेंस नहीं आएगा। हमें सिर्फ इसका एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्म यूज़ करना है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म जिसका अप्रॉक्सीमेट फॉर्म है। फिजिक्स में हमारे काम सिर्फ वो फॉर्म आता है, उससे हमें बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता है। वो फॉर्मेट क्या है कि इफ़ एक कंडीशन के अंदर ये स्पेशल अप्रॉक्सीमेशन काम करता है, हमेशा नहीं काम करता, एक कंडीशन के अंदर ही अप्रॉक्सीमेशन काम करता है। कंडीशन क्या होना चाहिए? x 1 से बहुत 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 छोटा होना चाहिए, x शुड बी मच मच लेस देन 1, x शुड बी मच मच लेस देन 1। जैसे 0.001 हो सकता है, 0.00001 हो सकता है, मतलब 1 से बहुत छोटा। ठीक है ना, 1 से बहुत छोटा नंबर होना चाहिए x। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? तब हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n, 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx। इतना सिंपल सा नंबर, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx। किस कंडीशन में? जब x 1 से बहुत छोटा होता है। इतना सिंपल सा, ये तो अप्लाई कर सकते हो। पुराना वाला बड़ा एक्सप्रेशन तुम्हें अभी फिजिक्स में काम नहीं आएगा। जब तुम मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तुम्हें वहाँ पे ये सीखना होगा। उसका एक और फॉर्मेट भी होता है, ए प्लस बी होल रेज टू द पावर एन, वो भी वहाँ पे सीखोगे तुम। पूरा एन सी एक्स एन पी एक्स कॉम्बिनेशन वो सब लगाओगे। तुम्हें यहाँ पे ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बायो के स्टूडेंट्स को ये बेकार सा इतना खतरनाक सा टर्म सीखने की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अप्रॉक्सीमेट फार्मूला पता होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर एन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। मान लो x की वैल्यू चूज की 0.001। क्या चूज की x की वैल्यू? 0.001। ठीक है ना, तो क्या बन गया? 1 प्लस 0.001 होल रेज टू द पावर 8 होल रेज टू द पावर 8। तो n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू रखी हमने 8। x की वैल्यू क्या रखी? 0.001। x की वैल्यू 0.001, n की वैल्यू 8। तो क्या बन गया हमारे पास? 1 प्लस 0.001 होल रेज टू द पावर 8 अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स। क्या निकालना है हमने? हमने निकालना है 1 प्लस एन एक्स। तो 1 लिख लो, 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 8 है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0.001। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट? 1.008। इतना सिंपल कैलकुलेशन, बस तुम्हें यही सीखना है, बस तुम्हें यही सीखना है। ये एक बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन है। क्या ये बायनॉमियल थ्योरम में एक अप्रॉक्सीमेशन हम लोग कर रहे हैं? बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन तुम्हें ये सीखना है। ठीक है ना, ये रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं फिजिक्स में? हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में इसको यूज़ करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हीट करने से बॉडीज एक्सपैंड करती हैं, तो कितनी एक्सपैंड होती है? नई लेंथ क्या होगी, नई एरिया क्या होगी, नई वॉल्यूम क्या होगी, तो वहाँ पर तुम थोड़ा बहुत ये एक्सपेंशन का एप्लीकेशन करोगे। वेव्स की प्रॉपर्टी के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम लोग यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी तुम लोग यूज़ करोगे इस चीज़ को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ करोगे, बहुत जगह पर यूज़ करोगे इसको। ठीक है ना, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लो। 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर एन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। एक और टॉपिक होता है एरर्स, वहाँ पर भी इसको यूज़ करते हैं। एरर्स एक्चुअली हर चैप्टर के अंदर आ जाता है,
तो इस कारण से ये कॉन्सेप्ट को सीखना इंपॉर्टेंट है. क्या होता है, सिंपल सा अप्रोक्सीमेशन, 1 प्लस एक्स होल रेस टू द पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स. कंडीशन क्या होना चाहिए, एक्स इज मच मच लेस देन 1, तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं. कोई 1 प्लस 2 होल रेस टू द पावर 8 में इसको अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन 1 प्लस 0.001 होल रेस टू द पावर 8 में इसको अप्लाई कर सकते हैं. ये तो मैंने तुम्हें इस अप्रोक्सीमेशन से बताया. तुम अपने फोन पे साइंटिफिक कैलकुलेटर खोलना या लैपटॉप पे साइंटिफिक कैलकुलेटर खोलना और देखना कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है. चेक करना कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है. जो कैलकुलेटर से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ये ऑलमोस्ट इतनी सी ही आएगी, लगभग इतनी ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना. मैंने जब कैलकुलेट किया था 1.008 समथिंग 2 या 0 ऐसे कुछ, मतलब ऐसी कुछ वैल्यूज आएंगी, कुछ आगे डेसिमल पॉइंट्स में आता रहेगा बट रफली अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.008 ही आएगी. क्लियर है बात. तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करके देखना, 1.005 होल रेस टू द पावर 12, 1.005 होल रेस टू द पावर 12 कैलकुलेट करना कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी. क्लियर है, ओके. तो कंटिन्यू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से जहां हम लोगों ने छोड़ा था. तो बेसिकली हम लोगों ने एक फॉर्मूला देख लिया, 1 प्लस एक्स होल रेस टू द पावर एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ठीक है. तो इसी के दो चार एग्जांपल्स मैं तुम्हें और करके दिखाता हूँ कि कब ये रिजल्ट काम करेगा, कब ये फेल होगा. ये देखना चाहते हैं कि हम लोग कब ये करेक्ट रिजल्ट देगा, कब ये फेल होगा, ठीक है. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. तो 1 प्लस 0.001 होल रेस टू द पावर 8 हम लोगों ने देखा था कि अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. तो एन जो है वो 8 है, एक्स जो है वो 0.001 है. यूज क्या क्या है, आंसर क्या है हमारे पास, आंसर है 1.008, ठीक है. आंसर आ गया हमारे पास 1.008. कैलकुलेटर से जब यूज किया साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो क्या आंसर आया हमारे पास, 1.008020805. तो क्या ये दोनों बहुत क्लोज है, क्या हमारा अप्रोक्सीमेशन तुम्हें ठीक लगता है. तो जब भी तुम कोई अप्रोक्सीमेशन देखो तो हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंपेयर करो विथ ट्रू वैल्यू और देखो कि कितने हद तक तुम करेक्ट हो. अगर करेक्ट नहीं हो तो वो तरीका फॉलो करना सही नहीं रहेगा, ठीक है ना. तो देख लिया तुमने कि यहाँ पर ऑलमोस्ट रिजल्ट सही आ रहा है. ऐसे एक और एग्जांपल देखा, 1.003 होल रेस टू द पावर 3. तो जब करना है तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स होल रेस टू द पावर एन में इसको यूज करो और 1 प्लस एन एक्स में कन्वर्ट कर लो. तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन है 3 यहाँ पर, एक्स किया 0.003, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 1.009. क्लियर है. फ्रॉम कैलकुलेटर क्या आता है, 1.009027027, ठीक है. तुम लोग चाहो तो तुम लोग खुद भी कैलकुलेटर से यूज करके देख सकते हो कि क्या वैल्यू आ रही है, करेक्ट लिखा है मैंने या नहीं लिखा है. तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है. तो फिजिक्स जब भी पढ़ो, साइंस जब भी पढ़ो, तो हर चीज़ को क्वेश्चन करो, ठीक है ना. क्वेश्चन करना तुम्हारा हक है, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, 1.00047 होल रेस टू द पावर 5 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रही है 1.00235, और जो एग्जैक्ट कैलकुलेटर से जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 1.00235 22100. तो हमने देखा कि ये सारे रिजल्ट्स अप्रॉक्सीमेटली सही आ रहे हैं. लेकिन उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल पिक किया, 1 प्लस 5 होल रेस टू द पावर 8, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई किया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स. तो एन है यहाँ पर 8, एक्स है यहाँ पे 5. जब ये लगाया तो क्या आया हमारे पास रिजल्ट, 41. तो इसका आंसर होना चाहिए था 41, हमारे अप्रोक्सीमेट फार्मूला के हिसाब से 41. कहाँ अप्रोक्सीमेट फार्मूला के हिसाब से आना चाहिए 41. कैलकुलेटर से जब यूज किया 6 रेस टू द पावर 8 किया कैलकुलेट, 6 रेस टू द पावर 8 तो वैल्यू आई 1679616, ठीक है ना. तो ये वैल्यू 1679616. तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई 41 और एग्जैक्ट वैल्यू आई 1679616. तो कहीं दूर दूर तक भी इसके नजदीक नहीं है. तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो x था, x की वैल्यू अब 5 है एंड 5 इज नॉट मच मच लेस देन 1. x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो तुम्हें क्लियरली इसका फीलिंग आ गया होगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं और कब ये फेल होगा, कब ये सक्सेसफुल होगा. x की वैल्यू जितनी छोटी होगी, n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, उतना ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला करेक्ट होगा, ठीक है ना. जितनी x की वैल्यू छोटी होगी और जितनी n की वैल्यू बड़ी होगी उतनी ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला करेक्ट होगा, ठीक है. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट. यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है. तो मेरे पास लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, उसकी ऐसे तो काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज वगैरह उसने दिए,
एडमिशन टेस्ट भी दिया, वहाँ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उसने, बट उसकी एक कमज़ोरी थी, उसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं आता था, और उसने आखिर आखिर तक भी नहीं सीखा। जब बोर्ड के एग्जाम्स आ गए तब मुश्किल से थोड़ा बहुत, कि उसको ये इक्वेशन लिखने में ही बड़ा परेशानी होता था पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ऐसे अवॉइड मत करना सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि हर जगह तुम्हें परेशानी आएगी। स्टार्टिंग में तुम्हें जिद हो जाएगा कि चलो मैंने नहीं करना ये काम, इसके बिना भी मैं चला लूँगा, या तुमने कहीं नेट से तुमने कोई ऐप डाउनलोड कर रखा है जो सीधा तुम्हें इक्वेशन के रूट्स दे देते हैं, बट तुम्हें हर जगह वो काम नहीं आएंगे, तुम्हें फाइनली कहीं ना कहीं करना सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज द अननोन, ए बी सी कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यूज होंगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक्स का पावर टू है तो इसलिए हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। अगर एक्स का पावर वन होता तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एक्स का पावर थ्री होता तो हम लोग उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला एटलीस्ट आना चाहिए, जो तुमने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा और 9th 8th जूनियर क्लास में पढ़ रखा होगा, कि इसको सॉल्व करने के मेथड्स बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला है ये। तो आइदर दोनों में से कोई एक तरीका तुम यूज़ कर सकते हो। एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो दो रूट्स मिलते हैं, एक माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, और एक होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो ये दो रूट्स बन जाते हैं तुम्हारे पास। एक एग्जाम्पल तुम ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली तुम कर सकते हो, और तुम्हारे पास जो आंसर आएगा टू एंड थ्री आएगा। ठीक है, तो इसको करके देख लेना, जिसको आता है ठीक है आगे मूव कर सकते हैं, जिनको नहीं आता एक बार कम से कम, या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि तुम्हें याद है नहीं याद, तो एक बार ट्राई करके देख लेना। ठीक है, आओ अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एल्जेब्रा में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सभी लोगों ने 10th क्लास में टॉपिक पढ़ रखा है, आईसीएसई वालों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों पढ़ रखे हैं, और सीबीएसई वालों ने सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या होता है। इसका सम का फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, समेशन ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स, इसकी रिक्वायरमेंट हमें दो तीन चैप्टर्स के अंदर फिजिक्स में आएगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ी बहुत ही समझ लो कि जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा नीड नहीं है इसकी। तो देख लेते हैं क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, वन के बाद थ्री है, थ्री के बाद फाइव है, फाइव सेवन नाइन इलेवन, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन। ठीक है, ऐसे नंबर्स रखे हुए, इनमें क्या खास बात है, कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है तुम्हें? वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, क्या है यहाँ पर? थ्री माइनस वन कितना होता है? टू। 5 माइनस थ्री कितना होता है? 2। 7 माइनस फाइव कितना होता है? 2। 9 माइनस सेवन 2। 11 माइनस नाइन 2। तो यानी हर टर्म, हर दो टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है, जब भी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट होता है, कॉमन डिफरेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जब भी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कॉमन होता है, कॉन्स्टेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? पहले एग्जांपल में कॉमन डिफरेंस है 2। कितना है कॉमन डिफरेंस? 2 है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखा, 1 5 9 13 17 21, क्या है इनके बीच में डिफरेंस बता सकते हो बहुत ईजिली? ठीक है ना, तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, और साथ में तुम पहचान सकते हो सीक्वेंस का पहला टर्म, पहचान सकते हो फर्स्ट टर्म क्या है। दोनों ही सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म वन है, दोनों सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या है? वन है। ठीक है, तो चलो, तो अब क्या है, फर्स्ट टर्म को हमने एक नाम दिया स्मॉल ए, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल ए, वो फर्स्ट टर्म होता है, स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्मॉल ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, स्मॉल डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ये सारा कुछ तुमने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो ज़्यादा टाइम हम लोग स्पेंड नहीं करते हैं। nth टर्म निकालने का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन अब हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। nth टर्म निकालना हमारे लिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाता है? Sn, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 होल मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 होल मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n यूज कर लेंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स का हमें चाहिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी, जिससे हमारे सम ऑफ n टर्म्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहले भी तुम लोगों ने कर रखा होगा ऐसे क्वेश्चंस 10th क्लास में,
तो इस पे क्वेश्चन नोट कर लो, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स फॉर द अबव टू एग्जाम्पल्स, जो दो एग्जाम्पल्स ऊपर हम लोगों ने देखे, इनके फर्स्ट 20 टर्म्स का सम तुम्हें निकालना है। क्या निकालना है? फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 20। ए की वैल्यू क्या हो गई? फर्स्ट टर्म देखना है तुम्हें, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कभी भी तुम्हें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दोगे तो तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। पहले तुम्हें चेक करना है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये सेम आ रही है या नहीं आ रही है वैल्यू। अगर सेम आएगी तो मतलब डिफरेंस कॉमन है, तो जो डिफरेंस है दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड एन की वैल्यू पुट कर दो तो एसएन मिल जाएगा तुम्हें। तो 20 टर्म्स का निकाल के भेजना मुझे व्हाट्सएप पे, देख लूंगा कि तुम्हें समझ आया या नहीं आया कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा सीक्वेंस है हमारे पास? उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे एग्जाम्पल क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का? 1 के बाद क्या है? 2। 2 के बाद क्या है? 4। 1, 2, 4, 8, 16। 8 के बाद 16। 4, 8 में क्या मतलब है? 4 और 8 में रिलेशन क्या है? 4 का डबल 8 मिला, 8 का डबल क्या मिला? 16। 16 का डबल क्या मिला? 32। 32 का डबल क्या हो गया? 64। तो बस सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिल गया, 2 को 2 से करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 मिल जाएगा, 8 को 2 से करेंगे तो 16 मिल जाएगा, 16 को 2 से करेंगे 32 मिल जाएगा, 32 को 2 से करेंगे 64 मिल जाएगा। ठीक है, आगे भी कर सकते हैं, 128, 256 ऐसे मिलता जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या है इस सीक्वेंस का? इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है 1। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है 1, और यहाँ पे कुछ खास बात है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं और नया नंबर मिल जा रहा है हमें। सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट नंबर हमें मिल जा रहा है। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कॉमन रेशियो, मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे कितना है कॉमन रेशियो? इस क्वेश्चन में कॉमन रेशियो 2 है, इस एग्जाम्पल में कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो हम लोग यूज कर सकते हैं। डन, कोई डाउट? ऐसे एक और एग्जाम्पल है 1, 5, 25, 125, 625, आइडेंटिफाई कर सकते हो फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, स्मॉल ए एंड स्मॉल आर। दो रिप्रेजेंटेशन है, स्मॉल ए स्मॉल आर। स्मॉल ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। स्मॉल आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। तो जो पहला एग्जाम्पल था 1, 2, 4, 8, 16, 32, उस वाले में फर्स्ट टर्म कितना था? 1 था। कॉमन रेशियो कितना आया था? 2 आया था। फर्स्ट टर्म 1 आया था, कॉमन रेशियो 2 आया था। स्मॉल ए की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि कॉमन रेशियो की वैल्यू 2 है, तो आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें? सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जीपी के लिए मैं तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड में लिखवाता हूँ कि क्या है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जीपी के लिए। 3 केसेस बनते हैं, तो तीनों मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या आता है ये। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये जीपी के सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है। क्या सम ऑफ एन टर्म्स फॉर जीपी है? तो इसके 3 केस बनते हैं। एक होता है आर ग्रेटर देन 1, अगर रेशियो जो है 1 से बड़ा है तब फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल्स टू ए होल मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही इफ आर इज लेस देन 1 तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? एस एन इक्वल्स टू ए होल मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये दोनों ही एक्चुअली सेम ही रिजल्ट है। दोनों में से किसी भी फॉर्मूला को तुम यूज कर दो, अगर तुम आर लेस देन 1 में भी फर्स्ट फॉर्मूला यूज करो तभी तुम्हारा आंसर सेम ही आने वाला, सही आंसर आने वाला है। बस बुक्स में जनरली 3 फॉर्मूला दिए होते तो मैंने भी 3 फॉर्मूला दे दिए, बट फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला जो दो फॉर्मूलाज हैं ये दोनों बिल्कुल है आइडेंटिकल है, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ना, रिजल्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रखा है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रख लेना कि एस एन इक्वल्स टू क्या होता है? ए होल मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इफ आर इज ग्रेटर देन 1 एंड ए होल इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर इफ आर इज लेस देन 1। क्लियर, अगर R की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा? अगर R की वैल्यू 1 है तो मतलब तुमने 1 से नंबर को मल्टीप्लाई कर रखा है, कॉमन रेशियो 1 का मतलब हर एक नंबर को तुमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर से सारे सेम हो जाएंगे, सारे A, 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 सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? सारे नंबर्स A हो जाएंगे। ठीक है, तो n टाइम्स अगर A को तुम ऐड करो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? n टाइम्स तुम A को ऐड करो, A प्लस A प्लस A प्लस A कितनी बार? n टाइम्स, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी n मल्टीप्लाइड बाई A। क्या आ जाएगी वैल्यू? n A, वैल्यू आ जाएगी n A। ठीक है, तो खैर मुझे इससे कोई गाना याद आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, नाना नाना वाला जो गाना है वही याद आ गया। ठीक है, तो n मल्टीप्लाइड बाई ए, तो वो आ गया सम ऑफ n टर्म्स इफ r इक्वल्स टू 1। क्लियर है बात? अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा काम फिजिक्स में अगर आएगा तो यही फॉर्मूला आएगा, आगे भी जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है वही है। क्या फॉर्मूला है?
इफ आर इज लेस, ये एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल केस है, क्या एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल केस है कंडीशन, क्या इफ आर इज लेस देन वन, इफ आर इज लेस देन वन एंड तुम सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स निकाल रहे हो, आर इज लेस देन वन सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स निकालते हो इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है, क्या होता है ए अपॉन वन माइनस आर, याद रखना आर ग्रेटर देन वन पे ये वैल्यू नहीं, आर ग्रेटर देन वन पे ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, ठीक है, बट आर लेस देन वन पे क्या हो जाता है सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है. फॉर आर ग्रेटर देन वन दिस सीरीज इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट सीरीज, क्या डाइवर्जेंट सीरीज है, किसी एक नंबर पर सम कन्वर्ज नहीं करेगा, सम जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा, सम बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है ना, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आर लेस देन वन में क्या होता है ये कन्वर्ज करता है, सीरीज कन्वर्ज करता है, सम जो एक नंबर पर कन्वर्ज करता है, ठीक है, सम एक नंबर पर कन्वर्ज करता है, उसका सम क्या बनता है सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स इक्वल्स टू ए अपॉन वन माइनस आर, सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स इक्वल्स टू ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है, तो ये हो गई बात. एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया आर लेस देन वन क्या है, हाफ रखा, रेशियो क्या रखा हमने एग्जाम्पल में, कॉमन रेशियो हाफ रखा, तो क्या हो जाएगा वन के बाद हाफ से मल्टीप्लाई तो हाफ मिल गया, हाफ का हाफ कितना होता है वन, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर का हाफ वन अपॉन एट, वन अपॉन एट का हाफ वन अपॉन सिक्सटीन, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है ए की वैल्यू वन है, स्मॉल आर की वैल्यू हाफ है, निकाला सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स वन अपॉन ए अपॉन वन माइनस आर है ना, तो वन अपॉन वन माइनस हाफ, तो वैल्यू आंसर क्या आ गया हमारे पास टू आ गया, ठीक है, सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स क्या आ गया टू आ गया. तो ऐसे एक दो और एग्जाम्पल्स तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वन वन अपॉन सिक्स, वन अपॉन थर्टी सिक्स, वन अपॉन टू हंड्रेड सिक्सटीन, ऐसे तुम सिक्वेंस लिख सकते हो, कॉमन रेशियो वन अपॉन सिक्स रख के और फर्स्ट टर्म वन रख के रख सकते हो, फर्स्ट टर्म को चेंज भी कर सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट सिक्वेंस लिख के तुम ट्राई कर सकते हो कि सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स कैसे निकालते हैं. क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, जितने बायो स्टूडेंट्स हैं तुम मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं तुम्हें और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भेज दूंगा एग्जांपल प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, और जब तक हमारे ये काम आने वाला है उससे पहले तुम लोग कंफर्टेबल हो जाओगे इस फॉर्मूला में, और ये बहुत कम आने वाला, कम बहुत कम ये काम आएगा, ये रिजल्ट इतना अधिक कॉमनली काम नहीं आएगा, जितना बायनोमियल थ्योरम कॉमनली काम आएगा उतना कॉमनली जीपी का सम नहीं आएगा, जीपी का सम बहुत रेयरली ही आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह के चैप्टर में आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, ठीक है, जहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नाम का एक टॉपिक होता है फिजिक्स के अंदर, जब भी तुम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तब ये काम आ सकता है, अगर क्वेश्चन सेट करें तो आ सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है, ठीक है ना, कहीं थ्योरी का पार्ट तो ये है नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन सेट कर सकते हैं इसके ऊपर. क्लियर है बात, डन. अब यहाँ तक हमारा जो एलजेब्रा वाला पार्ट था, बेसिक एलजेब्रा, एलजेब्रा नहीं बेसिक एलजेब्रा जो फिजिक्स में काम आएगा वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एलजेब्रा तो बहुत वाइड है, जो हम लोगों ने आइडेंटिटीज की बात की तो वहाँ पे तुमने पहले पढ़ रखा होगा ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस डी क्यूब, बहुत सारी चीज़ें हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, सीक्वेंस सीरीज अपने आप में बड़ा चैप्टर है, अगर हम लोग उसको समझने जाएं प्रॉपरली क्वेश्चंस करने जाएं तो बहुत कुछ हो जाएगा, बट हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ फिजिक्स में जितना काम आने वाला है तो मिनिमम से मिनिमम हमने बस वही टच किया, उससे ज़्यादा हमने नहीं किया है कवर, ठीक है. और एक टॉपिक मैंने अभी करंटली एलजेब्रा का छोड़ा है, दैट इज लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल्स लॉगरिदम्स वाला जो पार्ट है उसको मैं कवर करूंगा कैलकुलस के साथ, ठीक है ना, जब कैलकुलस में पढ़ेंगे ना हम लोग, जहां पर वो आएगा अपने आप नेचुरली आएगा हमारे पास लॉगरिदम की रिक्वायरमेंट, तब थोड़ा बहुत लॉगरिदम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अदरवाइज सिंपल एलजेब्रा हम लोगों ने टच कर लिया, जितने हमारे काम के जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री जिसकी एप्लीकेशन फिजिक्स के अंदर आएगी हमारे पास. तो लास्ट क्लास के जो 10-11 क्वेश्चन जो थे तो उनमें तुमने अप्लाई कर रखे हैं कुछ कुछ ज्योमेट्री की बेसिक चीज़ें, पाइथागोरस थ्योरम हर जगह काम आएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है, तो फेसबुक में बहुत बार तुम्हें ऐसे कुछ मीम दिखाई देंगे जिसमें लिखा होता है कि पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत कभी आई नहीं, पूरी लाइफ गुजर गई मेरी, बचपन में पढ़ा था कभी लेकिन कभी काम नहीं आया. तो अगर तुम साइंस से जुड़े रहोगे, टेक्निकल सब्जेक्ट में रहोगे, फिजिक्स वगैरह में कनेक्टेड रहोगे तो पाइथागोरस थ्योरम तो आता रहता है, ठीक है ना. तो याद रखना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ आर्क. नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ आर्क. तो वो भी हम लोगों ने यूज कर रखा है लास्ट क्लास के क्वेश्चंस में. फार्मूला क्या था, 2πr मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2πr मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो वो हमने यूज़ कर रखा है. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की ज़रूरत भी लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन में आया था, जो तुमने एंडिंग में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा,
जिसमें एंगल थीटा सब्सटेंड कर रहा था वो सर्कुलर आर्क सेंटर के ऊपर। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटिवली, बाकी के क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, एक वो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी ठीक था, इजी क्वेश्चन ही था। क्लियर है? वैसे मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को और भी, मेरे पास काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं धीरे धीरे देता रहूँगा। वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग था, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए था, और तुम्हारे मैथ्स को थोड़ा सा चेंज, मतलब चेक कर रहे थे हम लोग बस कि तुम्हें थोड़े बहुत मैथमेटिक्स याद है या तुम सब कुछ भूल गए। लेकिन आगे आने वाले क्लासेस में मैं थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस दूंगा तुम्हें, ठीक है? मेरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 1-2 साल पहले मैंने किसी स्टूडेंट को दिया था, उसने फिर सारे इंस्टीट्यूट्स में दे दिए थे, पूछ लिया था, बट ज़्यादातर किसी भी इंस्टीट्यूट से आया नहीं था सोल्यूशन उसका करेक्ट, ठीक है ना? तो कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा जिसको तुम ट्राई कर सकते हो, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम हो गया, लेंथ ऑफ आर्क की बात कर ली हम लोगों ने, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स की जरूरत कहाँ पड़ेगी, इसको चाहो तुम नोट करके रख सकते हो, कहाँ तुम्हारे पास इसकी जरूरत पड़ेगी सिमिलर ट्राइंगल्स की। सिमिलर ट्राइंगल्स काम आएगा तुम्हारे पास डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करते हुए कर लेंगे, जो कि हमारे स्कूल के एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली करेक्ट होगा, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन स्कूल के एग्जाम्स में वही एक्सपेक्ट करते हैं, एनसीईआरटी में वही कर रखा है, तो वही हम लोग यूज़ करेंगे फॉर स्कूल लेवल, ठीक है? सिमिलर ट्राइंगल्स को यूज़ करके हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ड्राइव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहाँ कहाँ पर काम आएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आ सकता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसके अलावा डेरिवेशन जब हम लोग करते हैं ऑप्टिक्स का, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला वगैरह तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और आईसीएसई वालों ने तो ड्राइव भी किया है उसको, तो वहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का काम आ जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ जाती है वहां पर, ठीक है? तो ये बेसिक ज्योमेट्री का टॉपिक्स है जो आप हमारे काम आने वाले हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है। अब मूव करते हैं आगे। तो कुछ एरियाज अंडर द कर्व तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है ना? तो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एरिया अंडर द ग्राफ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है हमें, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ऐसे ही तुमने पढ़ रखा होगा, जो स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत आईआईटी फाउंडेशन कोर्स वगैरह किया होगा, आईआईटी फाउंडेशन कोर्स में जब भी बोल रहा हूँ मतलब जो 7th 8th 9th में जो बच्चे थोड़ा सा एडवांस में कर रहे होते हैं, तो अगर मान लो ऐसा कोई कोर्स अगर तुमने ठीक किसी ढंग के इंस्टीट्यूट में किया होगा, तो तुमने और भी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो इम्पल्स होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है ना? इस तरीके की पावर टाइम ग्राफ का अगर तुम देखोगे तो उसमें वर्क डन मिल जाएगा तुम्हें एरिया अंडर द ग्राफ, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो उसका एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा कुछ आता होगा ये सारा कुछ, हम लोग आगे देखते जाएंगे, जब हम लोग आगे सॉल्व कर पढ़ते जाएंगे, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाएंगे, तो हम लोग आगे देखते जाएंगे, ठीक है ना? तो जिस जिस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम्हें ये चीज़ें आती हैं मैं स्किप कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत डिटेल में तुमको सारा कुछ पढ़ाऊंगा। तो मैं बस बता रहा हूँ कि इन टॉपिक्स में तुम्हारे एरिया अंडर द ग्राफ काम आते हैं, तो इसके फार्मूलाज तुम्हें पता होना चाहिए कि जनरली अगर कोई ग्राफ बन रहा है उसमें शेप अगर ट्राइंगल शेप बन रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कैसे निकालते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, ठीक है? तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, हाफ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हो गया ट्राइंगल का एरिया। सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सबको ही पता होगा ये, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ कर सकते हो, 22/7 यूज़ कर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी वो तुम यूज़ कर सकते हो, एक अप्रॉक्सीमेट तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। वो तुम्हें देखना है कि अगर तुम कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो बेसिकली उन चार ऑप्शंस में से किस से तुम्हारा मैच कर रहे हो। तुम पाई छोड़ भी सकते हो, 3.14 यूज़ करते हो, 22/7 यूज़ करते हो, डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस से पहुँचता है, ठीक है ना? जिससे करेक्ट ऑप्शन आ जाए वही तुम्हारा सही तरीका है, सही वैल्यू है तुम्हें अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करना है। और तुम्हें अगर खुद से कैलकुलेट करना है तो मैं तो बोलूँगा पाई के फॉर्म में ही छोड़ दिया करो आंसर, बिकॉज पाई को 3.14 अप्रॉक्सीमेट करना एक्चुअली गलत होता है, 22/7 भी करना गलत होता है, बिकॉज पाई एक इरेशनल नंबर है, बाकी सारे रैशनल नंबर, तुम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पुट कर रहे हो। सबसे बेस्ट आइडियल केस है कि तुम पाई के टर्म्स में ही आंसर को छोड़ दो, ठीक है? अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक यूज़ करना है तो 3.14 पुट कर सकते हो, चॉइस है तुम्हारे पास। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड की जो वैल्यू है, साइड का जो लेंथ है उसका स्क्वायर, ठीक है? रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ये सारा कुछ यूज कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तुम्हारे काम आएगा, ठीक है?
साथ में ये काइनामेटिक्स के जो इक्वेशन को डिराइव करते हैं हम लोग, ऐसे एक्चुअली दो तीन मेथड से करते हैं डिराइव उसको, एक ग्राफिकल मेथड से करते हैं, एक एल्जेब्रिक मेथड से करते हैं, एक कैलकुलस मेथड से करते हैं। तो जब हम लोग ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट। इसको हम लोग यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का काफ़ी बार यूज हो जाता है काइनामेटिक्स में ग्राफ के अंदर, ठीक है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट। एक एग्जांपल मैंने दिखा रखा है, ट्रेपेजियम बना रखा है। ट्रेपेजियम मतलब कि दो साइड्स पैरेलल हैं, बाकी के दो साइड्स पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो ट्रेपेजियम बोलेंगे। अगर ए डी पैरेलल टू बी सी तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। पैरेलल साइड्स कौन कौन से हो गए, ए बी जो कि 3 यूनिट्स है, सी डी जो कि 12 यूनिट्स है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, 3 + 12। और जो हाइट बोलते हैं मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स वही तुम्हारा हाइट है। तो यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। तो एरिया क्या मिल जाएगा, हाफ टाइम्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 3 + 12 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना है, 8। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 3 + 12 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं और इसको बहुत जगह यूज़ करेंगे हम लोग, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग पढ़ते हैं और ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में, जो जिसके तुम लोगों ने ज़्यादा पढ़ा नहीं अभी तक। अभी तक तुम लोगों ने रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स, ये सारा कुछ पढ़ रखा है, बट तुमने एलिप्स के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है। बट तुम्हारे पास काम आएगा, एलिप्स का शेप भी तुम्हारे काम आएगा। बेसिकली क्या होता है कि नेचर में एलिप्स का शेप पाया जाता है। नेचर में क्या होता है कि जब भी अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड सन, कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड सन, तो उसका जो पाथ होता है ना वो होता है एलिप्टिकल, वो सर्कुलर नहीं होता। सर्कल के फॉर्म में नहीं रिवॉल्व करता है, वो क्या होता है, एलिप्टिकल पाथ में फॉलो करता है। तो एलिप्स को समझना जरूरी है। एलिप्स एक ऐसा शेप होता है जो तुम्हारे सामने ड्रॉ किया है ना, ओवल टाइप का, अंडा जैसा शेप, ओवल, एलिप्स, ठीक है। सो कहते हैं एलिप्टिकल पाथ। ऐसे पाथ में कुछ चले क्या बोलेंगे उसको, हम लोग एलिप्टिकल पाथ बोलेंगे, ठीक है। ऐसे पाथ को हम लोग बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ। इसमें कुछ खास बातें होती हैं। तो यहाँ पे दो तरह के लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखा है। एक जो लॉन्गेस्ट लाइन ऐसे दिखाई दे रहा है तुम्हें, जिस पे एरो बना रखा है, जो रेड कलर का तुमने ड्रॉ कर रखा है ना एलिप्स, मैंने जो ड्रॉ कर रखा है उसको देखो पहले, ठीक है। जो रेड वाला जो बना हुआ है, तो उसमें एक एरो के साथ, डबल एरो के साथ एक लाइन बना हुआ है और एक डॉटेड लाइन बना हुआ है। तो डबल एरो के साथ जो, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। वो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होता है। और जो शॉर्टेस्ट है वो क्या है, जो डॉटेड है वो शॉर्टेस्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो एक हो गया मेजर एक्सिस, एक हो गया माइनर एक्सिस, ठीक है। दोनों क्रॉस करता है थ्रू द सेंटर ऑफ द एलिप्स। जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द एलिप्स, ठीक है। तो एक हो गया मेजर एक्सिस, एक हो गया माइनर एक्सिस। जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द एलिप्स। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द एलिप्स। क्लियर है। मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है उसका सिंबल होता है 2a। मेजर एक्सिस का सिंबल होता है 2a। सेमी मेजर एक्सिस उसका हाफ जो होगा वो हो जाएगा a। मेजर एक्सिस का जो हाफ होगा उसका लेंथ हो जाएगा स्मॉल a, ठीक है। तो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो गया, 2 times small a। माइनर एक्सिस का लेंथ हो गया 2 times small b, ठीक है। मेजर एक्सिस 2 times small a, माइनर एक्सिस 2 times small b। और एरिया ऑफ एलिप्स होता है, एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला होता है पाई ए बी। एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला होता है पाई ए बी। तो इसकी एप्लीकेशन तुम्हें दिखाई देगी, एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, तो वहाँ ग्राफ के अंदर पाई ए बी वाला फॉर्मूला कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज होता है। पास्ट ईयर आईआईटी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ पर एलिप्स के एरिया का एप्लीकेशन किया गया है। तो पाई ए बी तुम्हें पता होना चाहिए। एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई ए बी। मैंने एक टर्म यूज किया है फोकस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। ये एलिप्स का एक तरीके से डेफिनेशन होता है, ठीक है ना। तो फोकस एक्चुअली दो फोकस होते हैं, फोकाई कह सकते हैं, सो क्या बोल सकते हैं हम लोग, फोकाई बोल सकते हैं। दो फोकस हैं या फोकाई हैं दो, ठीक है। F1 और F2, एक फोकस है F1, दूसरा फोकस है F2। इनमें क्या खास बात है, ये दो फिक्स्ड पॉइंट है एलिप्स के मेजर एक्सिस पे। दो फिक्स्ड पॉइंट है एलिप्स के मेजर एक्सिस पे, दो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, F1 और F2। किस तरह फिक्स्ड पॉइंट है, तुम कोई भी एक पॉइंट एलिप्स के ऊपर मान लो, एलिप्स पे तुम कहीं भी एक पॉइंट मान लो। मैंने एक पॉइंट मान लिया पी, एक रैंडम पॉइंट एलिप्स के ऊपर कहीं भी लाई करता हुआ पी है। खास बात होती है कि जो भी पॉइंट पी एलिप्स के ऊपर लाई करेगा उसको सेटिस्फाई करना है, एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। कौन सा कंडीशन, पी एफ वन, जो डिस्टेंस है पी और एफ वन के बीच में, पी एफ वन प्लस पी एफ टू, इसकी जो सम होगी उसकी वैल्यू होगी 2a। पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल्स टू 2a, जो सेमी मेजर
जो कि मेजर एक्सिस का लेंथ है. पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो कि 2a है. पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो कि 2a है, ठीक है ना. तो ये याद रखना, पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू 2a. क्लियर है? तो तुम्हें कुछ ऐसे एनिमेशन मिल जाएंगे तुम्हें ऑनलाइन, अगर तुम एलिप्स के एनिमेशन सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएंगे ऑनलाइन. उसमें क्या होता है, साफ साफ दिखता है कि पी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, ऐसे सारे पॉइंट्स अगर तुम ज्वाइन कर दो, ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो जिसमें कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू 2a, तो जो पी जहाँ पर लाई करेगा वो कहाँ क्या मिलेगा तुम्हें, एक एलिप्स मिल जाएगा. उस लोकस को हम लोग बोलते हैं एलिप्स, कि जहाँ पे एक मूविंग पॉइंट मूव करता है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम. अब मूविंग पॉइंट पी मूव सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स एफ वन एंड एफ टू रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो दैट बिकम्स एलिप्स. दैट बिकम्स एलिप्स. पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू 2a. पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू 2a. तो समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत एलिप्स के बारे में. फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, एलिप्स का शेप दिखता कैसा है, और मेजर एक्सिस किसको कहते हैं, माइनर एक्सिस किसको कहते हैं, एरिया पाई ए बी. बस इतना ही जानना है तुम्हें, इससे ज़्यादा तुम्हें एलिप्स के बारे में जानने की रिक्वायरमेंट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. मैथमेटिक्स में तो जब पढ़ोगे कॉर्निक सेक्शन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइंस के बाद तुम्हारे कोऑर्डिनेट जोमेट्री में कॉर्निक सेक्शन आएगा, तब वहाँ मैथ्स में तुम पढ़ोगे. बट फिजिक्स में इतना काफ़ी है जानना कि मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं पहचानना, माइनर एक्सिस किसको बोलते हैं इसको पहचानना, ठीक है. और उसके बाद एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, पाई ए बी. फोकस कैसे होते हैं, और पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू 2a. जब भी ऐसा सिंबल बनता है, जब भी ऐसा रिलेशन बनता है, तो उसका जो पाथ होता है वो पाथ हो जाता है, जो पाथ पॉइंट फॉलो करता है पॉइंट पी, जो पाथ फॉलो करता है पॉइंट पी, उसको हम लोग बोलते हैं एलिप्स, एलिप्टिकल पाथ, ठीक है, एलिप्टिकल पाथ. क्लियर है? डन. अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल टूल, ठीक है, जो कहते हैं ग्राफ्स, है ना. तो जो ग्राफ प्लॉट करने वाला काम होता है, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हें देता है. ग्राफ को अगर तुम यूज़ कर पाओ तो तुम इतनी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो ना, जो बेसिकली कैलकुलस की चीज़ें हैं, इधर उधर रूट्स निकालना, ये सब चीज़ें मतलब मजाक हो जाएगा तुम्हारे लिए, बिल्कुल आसानी से तुम देख सकते हो. तो ग्राफ से तुम्हें इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाता है फंक्शंस के बारे में, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं. बट हाँ, आप कंप्लीट मैथमेटिकली हम लोग ग्राफ पे नहीं जा सकते, टाइम की लिमिटेशन है हमारे पास, और हमें फिजिक्स से कनेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी है, वहीं तक हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखना है. तो एक इक्वेशन होता है, जनरली इस फॉर्म के इक्वेशन तुम्हें दो तीन जगह मिलेंगे, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे तुम्हें ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा. और ऐसा इक्वेशन तुमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है, नाइन्थ क्लास में तुमने ऑलरेडी देख रखा है ऐसा इक्वेशन. तुमने काइनामेटिक्स के इक्वेशन जरूर पढ़े होंगे, तो तीन इक्वेशन तुम्हें याद होंगे. मैं बताऊंगा तुम्हें थोड़ा बहुत याद सा आ जाएगा. एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है ना. तो जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, अगर तुम इसको प्लॉट करोगे तो ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, सो इक्वेशन तो नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसा ही बन जाता है. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो t के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, s के टर्म्स में लीनियर है. क्या है? t के टर्म्स में क्वाड्रेटिक, एस के टर्म्स में लीनियर. तो जब भी ऐसा होता है एक्सप्रेशन हमारे पास, तो वहाँ पर ग्राफ बनता है एक स्पेशल टाइप का ग्राफ, ठीक है ना. तो हम लोग उसी टाइप के ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं. किस टाइप के ग्राफ? जो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर केस में मिलता है हमें. वो जो शेप होता है ग्राफ का, वो शेप होता है यू शेप. तुम लोगों ने सेवन्थ क्लास के भी एन सी आर टी में या नाइन्थ क्लास में अपने फिजिक्स के बुक में देखा होगा ऐसा ग्राफ, जो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में बनता है पोजिशन टाइम ग्राफ में, ठीक है ना. तो वहाँ पर जो शेप आता है ग्राफ का, वो यू जैसा होता है, यू शेप्ड होता है, ठीक है. अब यू जो होता है वो ओपन अप भी हो सकता है, ओपन डाउन भी हो सकता है. यू ओपन अप साइड भी हो सकता है, ओपन डाउन साइड भी हो सकता है. इस शेप का एक्चुअल एक नाम है, एक टेक्निकल नाम है इस शेप का, उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला. क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला. जब भी x के टर्म में क्वाड्रेटिक है, y के टर्म्स में लीनियर है, x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, y के टर्म्स में लीनियर है, तो बन जाएगा पैराबोला. क्या बन जाएगा? पैराबोला, ठीक है. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब बोल रहे हैं तो x क्या है? x वेरिएबल है, a b c कॉन्स्टेंट्स हैं, और इन कॉन्स्टेंट्स को हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट्स. क्या बोलते हैं? कोफिशियंट्स बोलते हैं a b और c को, ठीक है. तो जो a है कोफिशियंट, कोफिशियंट a जो है x स्क्वायर के साथ जो है, वो बताता है कि पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा. क्या बताता है? कि पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर देखते हो तुम, तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड ये ग्राफ बनता है, और एक्सेलरेशन निगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड बनता है.
तो ऐसी सी चीज़ है कि टी स्क्वायर का जो कोफिशियंट है हाफ ए टी स्क्वायर में, ए हाफ ए है, तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो वो अपवर्ड ग्राफ बनेगा, ए निगेटिव होगा डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है। तो इफ़ ए इज़ पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला, इफ़ ए इज़ निगेटिव तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव के लिए एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ग्राफ ऊपर की तरफ बनता है, निगेटिव के लिए डाउनवर्ड्स बनता है। तो ये तुमने पुराने बुक्स में तुम्हारे पास लिख दिए होंगे, तुम चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो अभी, नहीं तो जब हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स तो मैं सारा कुछ, वो सारा कुछ तुम्हें समझाऊंगा कि ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया इस कारण से ऐसा होता है, हम लोग कैलकुलस पढ़ने के बाद ये चेक करेंगे ऐसा क्यों होता है, जस्टिफाई करेंगे ऐसा क्यों होता है, ऐसा होना क्यों कंपलसरी है, ठीक है। ए पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, ए निगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला, क्लियर है। एक और टर्म होता है क्वाड्रेटिक में, कैपिटल डी, तुम लोगों ने देखा होगा 10th क्लास में कैपिटल डी, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये भी बहुत कुछ बताता है ग्राफ के बारे में। इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, कितने सॉल्यूशन होते हैं? दो सॉल्यूशन होते हैं, रियल एंड अनइक्वल सॉल्यूशंस, तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में। अगर डी इक्वल टू जीरो होता है, इफ डी इक्वल टू जीरो तो रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन, तो सिंगल एक ही सॉल्यूशन होता है, और इफ डी इज लेस देन जीरो होता है तो नो सॉल्यूशंस होते हैं, नो रियल सॉल्यूशंस। क्या होता है? इफ डी लेस देन जीरो तो नो रियल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो दो सॉल्यूशन है, तो वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा। डी इक्वल टू जीरो मतलब कि एक सिंगल सॉल्यूशन है, तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। क्या करेगा? एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा। जब टच करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट की तरह बिहेव करे। कैसा होता है वो? टेंजेंट मतलब एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, दो पॉइंट पे कट नहीं करता, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता हुआ चला जाता है। मैं देखूँ नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख लेंगे कि कैसे ऐसे ग्राफ दिखाई देते हैं, जब टच करता है तब कैसे ग्राफ दिखाई देते हैं, जब कट करता है तब कैसे ग्राफ दिखाई देते हैं, जब नो सॉल्यूशन होगा तो मतलब टच करेगा ही नहीं एक्स एक्सिस, उससे दूर दूर रहेगा, तब कैसे ग्राफ दिखाई देंगे ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेंगे। समझ आ गई बात? ए पॉजिटिव निगेटिव अपवर्ड डाउनवर्ड चेक कर लेते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट जो था वो चेक करता है कितनी बार कट कर रहा है, दो बार कट कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, या फिर जीरो बार टच कर रहा है। तो ये बेसिकली हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि ग्राफ दिखते कैसे हैं। तो ये कुछ ऐसे ग्राफ दिखाई देते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है, तो मैंने ट्राई किया था ड्रॉ करने के बाद, पैराबोला सही ढंग से बना नहीं यू शेप, ठीक है ना, यू शेप जो बनना चाहिए था वो प्रॉपरली बन नहीं पाया। तो यहाँ पर तुम्हें दिख सकता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। खास बात है कि यहाँ ये पैराबोला ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, जो उसका मुंह खुल रहा है बेसिकली, जो उसका ओपनिंग है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? ओपनिंग अपवर्ड, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड कब बनेगा? जब ए पॉजिटिव हो, स्मॉल ए पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे स्मॉल ए पॉजिटिव है, इस कारण से ये अपवर्ड पैराबोला है। और ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को ये दो बार कट कर रहा है। अगर दो बार कट करेगा तो मतलब क्या हो जाएगा? कि कैपिटल डी इज ग्रेटर देन जीरो। दो बार कट करेगा तो कैपिटल डी इज ग्रेटर देन जीरो। आ गई बात समझ? और यहाँ पे जो इसका जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, सबसे जो स्मॉल बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए होता है। क्या होता है? माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए होता है उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो जो उसका लोएस्ट पॉइंट है वो हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। आ गई बात समझ? इसको हम लोग यूज करते हैं कई बार, तुम अगर ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ आ जाए तो मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजीली तुम बस इसी को यूज कर सकते हो। तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं कैलकुलस को कैसे अप्लाई करना है। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस मिलेंगे तो यही यूज करके तुम बता सकते हो कि उसके मैक्सिमम पॉइंट क्या होगी, मिनिमम पॉइंट क्या होगी, मैक्सिमा क्या होगी, मिनिमा क्या होगी। तो माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर है, क्लियर है? माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर है। ये कोऑर्डिनेट्स याद रखना, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट, बायो स्टूडेंट्स के लिए इतना ये काम की चीज़ नहीं है कि वो वर्टेक्स जो होता है बेसिकली जो लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है वो माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर होता है। ऐसे ही एक और ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है। अब पैराबोला क्या है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? ये पैराबोला डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड होने का मतलब कि स्मॉल ए लेस देन जीरो है। कितनी बार कट कर रहा है? दो बार कट कर रहा है, मतलब कैपिटल डी ग्रेटर देन जीरो है। कैपिटल डी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो बिल्कुल उसका सेंटर सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो उसको एग्जैक्टली जो यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर? माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर है। माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर है। तो जो
लोअर मोस्ट पॉइंट होता है या फिर जो हायर हाईएस्ट पॉइंट होता है, जब पैराबोला अपवर्ड होगा तो लोएस्ट पॉइंट, जब पैराबोला डाउनवर्ड्स होगा तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, उससे कोऑर्डिनेट्स फिक्स्ड हैं। उससे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, माइनस बी बाई टू है, माइनस डी बाई फोर है। तो ये चीज़ तुम याद रख सकते हो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। थोड़ी बहुत बस एक जो ग्राफ हम लोग ऐसी कुछ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ेंगे वहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी, बाकी और कहीं काम नहीं आने वाला। तो इसको अगर तुम यूज़ कर लो तो डायरेक्टली तुम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो एक पढ़ते हैं हम लोग एक अलग तरीके से डिराइव करते हैं, चाहो तो इसको यूज़ करके भी बहुत ईजिली तुम डिराइव कर सकते हो, सीधे रिजल्ट पर तुम पहुँच जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? और देखते हैं एक दो ग्राफ्स और देखते हैं ऐसे ही। तो ये दो ग्राफ्स और हैं। तो अब जो ऊपर वाला ग्राफ ड्रॉ कर रखा है वहाँ पर पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? पैराबोला की ओपनिंग जो होती है, ओपनिंग ऑफ पैराबोला, वो डाउनवर्ड है, सो कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला है। इसलिए स्मॉल ए इसका लेस देन जीरो है, स्मॉल ए लेस देन जीरो है। अब बताओ कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, कट कर रहा है, टच कर रहा है, ऐसा कुछ भी है? उससे काफ़ी दूर दूर है ये, टच नहीं कर रहा। इसमें मतलब इसका नो रियल सोल्यूशन है। क्या इसमें नो रियल सोल्यूशन? डी कैपिटल डी इज लेस देन जीरो, कैपिटल डी इज लेस देन जीरो, नो रियल सोल्यूशन। आ गई बात समझ? तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कैपिटल डी के हिसाब से ग्राफ कैसा बनेगा, या ग्राफ के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि स्मॉल ए और कैपिटल डी की वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है, एक और ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये पैराबोला अपवर्ड्स है और ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ रिपीटेड सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो वन रियल सॉल्यूशन है जो कि रिपीटेड है यहाँ पर। तो कैपिटल डी की वैल्यू जीरो होगी और स्मॉल ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, बिकॉज अपवर्ड पैराबोला है। कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिसमें कि हम लोग सी को चेक करते हैं या बी को चेक करते हैं, बट वो अभी तुरंत हमारे काम की चीज़ नहीं है। सी का मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि सी का मतलब होता है कि वो जो पैराबोला बन रहा है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ऊपर कट कर रहा है या नीचे कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को ऊपर कट करेगा तो सी पॉजिटिव आएगा, नीचे कट करेगा तो सी निगेटिव आएगा। सी बताता है वाई इंटरसेप्ट, सी के बताते हैं सी बताता है वाई इंटरसेप्ट, सी के बताता है सी बताता है वाई इंटरसेप्ट। अगर सी पॉजिटिव है तो ऊपर कट करेगा, सी निगेटिव है तो नीचे कट करेगा। सी पॉजिटिव है तो ऊपर कट करेगा, सी निगेटिव है तो डाउनवर्ड्स नीचे कट करेगा। समझ आई बात? एक्स एक्सिस का नीचे कट करेगा तो सी क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऊपर कट करेगा तो सी हो जाएगा पॉजिटिव। वो सिर्फ बताता है इनिशियल कंडीशन, क्या बताता है वो इनिशियल कंडीशन बताता है। तो इनिशियल कंडीशन वी ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल सी, इनिशियल कंडीशन वी ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल सी जो कि होता है y इंटरसेप्ट। क्या होता है वो होता है y इंटरसेप्ट। तो ये सिर्फ नोट कर सकते हो, जहाँ पे यूज़ करेंगे वहाँ मैं बता दूंगा कि कैसे वो यूज़ हो रहा है, बाकी अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। b और c को कैसे यूज़ करते हैं वो कभी मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, अभी तुरंत हमारे काम की वो चीज़ नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लॉटिंग द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तुम्हें क्लियर है, प्लॉटिंग द ग्राफ फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्लियर है। आओ अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना अब स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ेंगे इससे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है, बट एक्चुअली ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अब काफ़ी रात हो चुका है, करीब 2 बजने वाले हैं। इतनी रात तक मैं जनरली कभी जगता नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी सो जाता हूँ, तो काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है मेरी। तो टारगेट तो था कि आज ट्रिग्नोमेट्री मैं कंप्लीट कर दूँ, बट एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अब नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, क्योंकि फिर मैं उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाऊँगा। तो ट्रिग्नोमेट्री से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम लोग वेक्टर अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसी को तुम लोग रिवाइज कर लो, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग नेक्स्ट क्लास से ही शुरू करते हैं। ओके, तो चलो थैंक यू, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। और बच्चे जो चाहे नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करना तो वो लोग ऐप डाउनलोड कर ले तो बेटर होगा, क्योंकि ऐप पे पूरे कोर्स अपलोड होंगे। YouTube पे तो कुछ सिलेक्टेड पार्ट ही अपलोड होंगे, सारा पूरा कोर्स नहीं अपलोड होगा YouTube पे, लेकिन मेरा जो ऐप होगा Google Play Store से तुम मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो उस पर तुम्हें इंटायर कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, थैंक यू।